सॉल्यूशन में ऐड करते हैं और उसके साथ क्या करवाते हैं, तो बेयर मेथड में किसका यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्या क्या कहता है, सो इन दिस प्रोसेस द फाइनली पाउडर्ड ओर क्या होता है, इज ट्रीटेड विथ, ट्रीट किया जाता है, ट्रीट क्या मतलब लिया जाता है, इज ट्रीटेड विथ हॉट गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या क्या आता है, हम हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड को का सॉल्यूशन लेते हैं, लेते हैं हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेते हैं। अगर हम हॉट सोडियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन लेते हैं बाबू, तो क्या क्या आता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट, टू फॉर्म सोल्यूबल, टू फॉर्म वाटर एंड सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। क्या बनता है, ये तो भाव देखो, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 सॉलिड स्टेट में होता है, NaOH को लिया जाता है, तो NaOH किस फॉर्म में होता है, एक्वस के फॉर्म में होता है, तो क्या बन जाता है, Na2AlO2 Na बनता है, Na2 यहाँ मतलब है, टू यहाँ लगा दो, NaAlO2 बनता है, क्या बनता है, NaAlO2 बनता है, ये जो O2 होता है एक्वस फॉर्म में होता है, साथ में वाटर होता है, क्या होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा बाबू, तो बैलेंस है, दो सोडियम बैलेंस कर दीजिए, एल्यूमिनियम दो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 3 2 5 2 2 4 1 5 बैलेंस है बाबू, ये क्या हो गया, ये सोडियम एल्यूमिनेट हो गया, ये क्या हुआ, सोडियम एल्यूमिनेट, ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब होता क्या बाबू, अब ध्यान दो, सोडियम एल्यूमिनेट बना ना, अब इसको हम क्या करते हैं, अब हम इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, आयरन थर्ड भी रहता है ना, तो आयरन थर्ड ऑक्साइड क्या करता है, ये NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना, ध्यान दो, ये डिजॉल्व नहीं होता है, सोडियम एल्यूमिनेट तो डिजॉल्व हो गया, लेकिन आयरन थर्ड ऑक्साइड क्या होता है, डज नॉट डिजॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है, लिखिए, आयरन थर्ड ऑक्साइड Does not dissolve in sodium hydroxide solution. Sodium hydroxide solution. ये क्या करता है?
ये डिजर्व नहीं होता। अगर डिजर्व नहीं होता है तो इसे क्या कर लेते हैं लोग, फिल्ट्रेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फिल्ट्रेट। तो लिख देंगे इट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। कैसे सेपरेट करते हैं? फिल्ट्रेशन के द्वारा। सिलिका रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम सिलिकेट। क्या बनाता है? अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर सिलिका, सिलिका मतलब सैंड, अगर सैंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? टू फॉर्म वाटर। और क्या बनाएगा बाबू? टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट, सॉरी सोडियम सिलिकेट। क्या बनाएगा? सोडियम सिलिकेट। अब देखो बाबू, हमका SiO2 ना किसके साथ? NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, और ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, ये आपका एक्वस फॉर्म में होता है। अब देखो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बाबू? Na2SiO3 मिलेगा। क्या मिलेगा? Na2SiO3 ये बैलेंस करना पड़ेगा, और एक्वस फॉर्म में होगा और साथ में वाटर मिलेगा। बैलेंस है, बैलेंस कर लीजिए। सोडियम दो, यहाँ सोडियम 1 है, दो सोडियम हो गया। ऑक्सीजन दो, दो चार, ऑक्सीजन तो 4 हो गया। हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो। सिलिका 1 बैलेंस हो गया। इसको क्या कहेंगे? सिलिका कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम सिलिकेट। अब देखो जब फिल्ट्रेट करेंगे तो सोडियम सिलिकेट और सोडियम एल्यूमिनेट साथ आ जाएगा। क्या जाएगा? सोडियम सिलिकेट। और फिल्ट्रेशन में क्या रहेगा? दोनों को जब फिल्टर करेंगे बाबू तो फिल्टर में क्या आ जाएगा? सोडियम सिलिकेट भी रहेगा और क्या रहेगा बाबू? सोडियम एल्यूमिनेट भी रहेगा। तो फिर इसको क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐड कर देंगे। जब तो प्रेसिपिटेशन में क्या मिल जाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो लिखिए, नीचे लिखिए द फिल्ट्रेट कंटेनिंग, द फिल्ट्रेट कंटेनिंग सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट दोनों रहेगा फिल्ट्रेशन के बाद। इज देन स्टर्ड विथ सम, कुछ क्या लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। क्या वो? सोडियम विथ सम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नहीं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। विथ सम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या मिक्स कर देते हैं? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या देखो, अगर हम सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट में, सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे बाबू। तो क्या कर देगा? तो रिड्यूस द प्रेसिपिटेशन ऑफ, क्या रिड्यूस करेगा? प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम
हाइड्रोक्साइड, प्रेसिपिटेशन में क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आएगा, और इंप्यूरिटी में क्या रहेगा? सिलिका रह जाएगा। द इंप्यूरिटी सिलिका रिमेन्स एज डिजॉल्व इन सॉल्यूशन। अब देखो होगा क्या, जो इंप्यूरिटी में सिलिका होता है वो सॉल्यूशन में क्या हो जाता है बाबू? डिजॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है? एज सोडियम सिलिकेट डिजॉल्व, सॉरी एज रिमेन्स डिजॉल्व, ऐसे कर दो, रिमेन्स डिजॉल्व एज सोडियम सिलिकेट इन सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन में क्या होता है? सोडियम सिलिकेट मिल जाता है। तब बताइए हम क्या बोले थे, किसको किसको बाबू? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को। तो देखो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को ना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सॉरी एल्युमिनियम ऑक्साइड को ना, सॉरी सोडियम एल्युमिनेट NaAlO2 किस फॉर्म में होता है? सॉलिड के फॉर्म में, सॉरी एक्वस फॉर्म में मिलता है। अब इसको हम वाटर के साथ ऐड कर देते हैं। किसके साथ बाबू? वाटर के साथ बैलेंस भी कर देते हैं। तो क्या मिलता है जब वाटर के साथ सोडियम एल्युमिनेट को अलग करेंगे? तो मिल जाएगा बाबू आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड NaOH3 मिल जाएगा। ये सॉलिड फॉर्म में होगा और साथ में क्या मिलेगा? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिल जाएगा और ये क्या देगा? एक्वस दे देगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। प्रेसिपिटेट हो गया बाबू। क्या हो गया? प्रेसिपिटेट। अब क्या करता है बाबू? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज फिल्टर्ड, इज क्या करते हैं? फिल्टर्ड का सॉरी फिल्टर्ड करते हैं, धोते हैं, बास्ट करते हैं, ड्राइड अप सुखाते हैं, क्या करते हैं? एंड इग्नाइटेड टू क्या प्रोवाइड करते हैं? हीट टू गेट प्योर एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या मिल जाता है? प्योर एल्युमिनियम ऑक्साइड मिल जाता है। कब मिलता बाबू? जब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं? ध्यान दो, ऊपर भी लिख देते हैं, देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड NaOH3 क्या सॉलिड फॉर्म में है। इसे जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं बाबू? हीट। तो हमें क्या मिलता है? Al2O3। ये तो सॉलिड फॉर्म में होता है बाबू, साथ में क्या मिलता है? 3H2O सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या मिलता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलता है। कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस है नहीं, तो टू लगा दीजिए तो बैलेंस हो जाएगा। तो 3 2 3 3 6 6 थ्री हाइड्रोजन थ्री टू जा सिक्स, छह हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा।
तो देखिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किए, हम बॉक्साइट को क्या किए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन दिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे दिए तो सोडियम एल्यूमिनेट बना, और उसमें क्या रह गया प्रेजेंट रहता है सिलिका, तो सिलिका भी क्या करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। और उसके बाद क्या करते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, और जब हम सोडियम एल्यूमिनेट बनता है बाबू तो रिमेनिंग में क्या रहता है आयरन हाइड्रोक्साइड जो रिएक्ट नहीं करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जिसको हम फिल्टर कर लेते हैं, और सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट ये दोनों को क्या करते हैं फिर से हम मिक्स करते हैं किसके साथ सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें क्या बन जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेशन के रूप में आ जाता है। कहने का मतलब जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं तब, और उसके बाद फिर उसको हीट देते हैं, तो हीट देने के बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है। तो ये आपका क्या था बाबू, ये जो हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अब जो पढ़ेंगे बाबू सेकंड मेटालर्जी स्टेप ऑफ मेटालर्जी में पढ़ाए थे ऑक्सीडेशन ऑफ कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड ओर, तो सेकंड जो मेथड था बाबू ऑक्सीडेशन ऑफ कंसंट्रेटेड और ऑक्सीडेशन ऑफ कंसंट्रेटेड और। अब देखो बाबू कुछ ऐसे मेटल हैं हम जिनसे क्या करते हैं हम ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं, कौन से फॉर्म में होते हैं ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं, और हम वहां से ऑक्सीजन को क्या करते हैं ऑक्सीडेशन करवाते हैं और रिडक्शन यानी ऑक्सीजन को रिमूव कराते हैं या ऑक्सीजन को ऐड करा के वहां से इंप्यूरिटी को निकालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं बाबू फर्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, किसका बाबू सोडियम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, किसका एक्सट्रैक्शन करते हैं सोडियम मेटल का क्या करते हैं बाबू एक्सट्रैक्शन करते हैं, कैसे बाबू तो देखो इसमें क्या करते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू मोल्टेन सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म, क्या बनता है जब हम मोल्टेन सोडियम क्लोराइड पे क्या बना करते हैं बाबू टू डी सोडियम क्लोराइड मोल्टेन सोडियम क्लोराइड इट इट डिकम्पोजेज, क्या किसमें डिकम्पोज होता है बाबू इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम आयन एन ए प्लस एंड क्लोरीन गैस या क्लोरीन आयन भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो टू फॉर्म, ऐसे लिखते हो बाबू सबसे अच्छा रहेगा टू फॉर्म सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस, कोई दिक्कत? अब देखो NaCl क्या होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, मोल्टन कह रहा है तो करंट प्रोवाइड करेंगे
कर दिए बाबू, तो क्या मिलेगा बाबू? प्लस Cl2 गैस मिलेगा। ये क्या हो गया? क्लोरीन गैस हो गया। ये क्या हो गया? सोडियम मेटल हो गया। मेटल हो गया बाबू, 2NaCl हो गया बाबू। अब देखो क्या होता है, जब हम करंट को प्रोवाइड करते हैं, देखो तो जब हम करंट को प्रोवाइड करते हैं व्हेन करंट इज, अगर करंट को क्या कहता है, पास करवाया जाता है, इज पास थ्रू मेल्ट इन ए प्लस गो टू द कैथोड वेयर एज सीएल माइनस लिबरेटेड टू ए नोड। ए नोड पर लिबरेट होता है, एक कैथोड पर लिबरेट होता है। तो एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है बाबू? एन ए प्लस क्या होता है? एन ए प्लस क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो एन ए सॉलिड बन जाता है। क्या बन जाता है? एन ए सॉलिड होता है। ये सोडियम मेटल देता है। अब देखो बाबू, एट एनोड पर क्या होता है? एनोड पर क्या होता है बाबू? सीएल माइनस होता है। यहां तो यहां क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन पहले था 10 से 11 हो गया, तो क्या हो गया? ए रिडक्शन हो गया। सॉरी, क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। इस केस में क्या होता है बाबू? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले इसके पास 10 था, एक इलेक्ट्रॉन लेके 11 बन गया, तो क्या हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। या क्या बना लेता है? सीएल गैस बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरीन गैस। इसी तरीके से हम सेकंड में किसका इंस्ट्रक्शन करते हैं बाबू? ये तो सोडियम का किए थे, अब एल्युमिनियम का करेंगे। क्या करेंगे? एल्युमिनियम का करेंगे। एल्युमिनियम मेटल किसका करेंगे? एल्युमिनियम का। इसमें भी क्या करते हैं? मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या होता है बाबू? इसमें हम क्या लेते हैं? एल्युमिनियम, मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड। मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड इट डीकम्पोजेस टू फॉर्म एल्युमिनियम मेटल एंड क्या फॉर्म होगा? फॉर्म एल्युमिनियम मेटल एंड ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस निकलता है। बस इसमें भी वही होता है बाबू। देखो Al2O3 लेते हैं लिक्विड फॉर्म में, इसको बैलेंस कर देते हैं आगे, तो क्या बन जाएगा? बताओ, एल्युमिनियम बनेगा बाबू, प्लस में ऑक्सीजन गैस बाहर आएगा, तो 4 Al
किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में, प्लस ओ टू कहता है तो एल्युमिनियम मेटल हो गया बाबू। एल्युमिनियम क्या हो गया? मेटल, सॉरी लिक्विड फॉर्म में होता है बाबू, सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है। क्या किस फॉर्म में होता है? लिक्विड के फॉर्म में होता। तो एट कैथोड, कैथोड पर क्या आता है बाबू? ध्यान दीजिए, एल थ्री प्लस होता है ना, एल थ्री प्लस होता है। क्या होता है? एल थ्री प्लस होता है, ये तीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और क्या बनाएगा? जब हम करंट, सॉरी इसमें क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन। क्या बनाएगा? एल्युमिनियम बना लेगा। क्या बना लेगा? एल्युमिनियम। किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में, एल्युमिनियम मेटल। अब बताओ बाबू, ये तो एल्युमिनियम हो गया, और फिर क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ये सभी के सभी बाबू लिक्विड फॉर्म में होंगे, और ओ टू किस फॉर्म में होगा? ये भी लिक्विड के फॉर्म में होगा, टू माइनस ये भी लिक्विड के फॉर्म में होता है। और इससे क्या, ये क्या करता है बाबू? ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और क्या बनाता है? वो गैस बना लेता है। क्या बना लेता है? वो गैस। तो यहाँ क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन गैस बना लेता है। क्या बना लेता है? ऑक्सीजन गैस। ओ2 बना लेता है। ये हो गया बाबू। अब आगे हेडलाइन दीजिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इन द, किसमें? इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी स्टेज। अब हम जो मिडिल में जो मेटल आते हैं तो उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? पहले हेडलाइन दीजिए, सभी ऑक्सीडेशन का ही केस बाबू, के सभी ऑक्सीडेशन का केस बन रहा है।